जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक जिलाधिकारी केवीएन पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी केवीएन पांडियन ने कहा कि जिले में 3 चिकित्सा इकाइयों को नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन के लिए तैयार किया जाएगा। इनका निरीक्षण करने जनवरी में राज्य स्तरीय टीम भी आएगी, जिसमें भटहट CHC सरदार नगर और खोराबार PHC को एनक्वास के लिए तैयार करने का दिशा निर्देश दिया गया है। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि एनक्वास सर्टिफिकेशन में प्रशासनिक स्तर पर जो भी सहयोग चाहिए उसे दिया जाएगा। हर चिकित्सा इकाई के उन गैप्स को दूर किया जाएगा जिनका स्कोरिंग पर असर पड़ता है। बैठक में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नंद कुमार ने बताया कि बैठक में मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। प्रयास होगा कि आशा और ANM के जरिए संस्थागत प्रसव बढ़ाया जाए, खासतौर से उच्च जोखिम गर्भावस्था महिलाओं को चिन्हित कर उनका सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित कराया जाए। बैठक में निष्क्रिय आशा कार्यकर्ताओं के निष्कासन और प्रसव की रिपोर्टिंग न करने वाले प्राइवेट अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान यह भी तय हुआ कि आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार में कम से कम एक गोल्डन कार्ड अवश्य पहुँचाया जाए। बैठक का संचालन जिला कार्यक्रम प्रबंधक पंकज आनंद ने किया। इस अवसर पर ACMO डॉक्टर NK पांडे, डॉक्टर SN त्रिपाठी, डॉक्टर अरुण चौधरी, उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी सुनीता पटेल, DCPM रिपुंजय पांडे, जिला क्वालिटी कंसल्टेंट डॉक्टर मुस्तफ़ा खान, सहायक विजय समेत विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, कायाकल्प की पूरी तैयारी करते हैं। हम लोग सब अच्छे संख्या में सर कायाकल्प से सम्मानित हुए हैं, सब उपलब्ध हैं। अभी भी सर इशू बनी है, उधर तो कोविड के कारण भी सर बर्बादी हुआ है, लेकिन अभी भी सर वहाँ एरियन की व्यवस्था प्रॉपर से हो नहीं पाया है। ये कहाँ बन रहा है? DHS का मिनट्स में मोनिटाइज कराइए। ये निर्देश एक सप्ताह के अंदर, यदि तो गवर्नमेंट का जो है जो जिला प्रशासन का आदेश पालन नहीं किया है, उनका लाइसेंस रद्द करेगा, मेंशन कर दीजिए। ऐसा नहीं है तो बार बार हम कहेंगे तो पूरे साल हम लोग कहेंगे कि क्या है, आज ये थी DHS डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की बैठक, जिसमें अन्य विभाग के साथ साथ हमारे सारे MOIC सुपरिंटेंडेंट महिला, सुपरिंटेंडेंट पुरुष, ये सारे लोग होते हैं। इस पे पूरा कार्यक्रम क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किसकी कमियां हैं, कहां पे हमें सुधार की आवश्यकता है, इस पे पूरी चर्चा होती है। और जो हमें MD NHM के यहाँ से या निदेशालय से या प्रमुख सचिव के स्तर से जो निर्देश मिलते हैं, उस पर भी चर्चा होती है और उनके अप्रूवल भी DHS करता है, क्योंकि DHS NHM का यहाँ का सबसे अपर बॉडी है और उस अपर बॉडी में जो निर्णय हो जाते हैं फिर उसी के आधार पर हम काम करते हैं।